है गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन के इस सीरीज में हमने पिछले दो वीडियोस में देखा है कि फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं। तो अब इस लास्ट वीडियो में हम फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्पेसिफिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका फीचर क्या है, किस तरह से उन्हें डिफाइन किया गया है, तो उसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद फंडामेंटल राइट्स इस देश के सिटीजन्स को दिए हैं और ये सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 के आर्टिकल्स में शामिल हैं और ये सभी आर्टिकल्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। ओके, तो फर्स्ट, सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, कुछ अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को दिए हैं और कुछ अधिकार हैं जो देश के नागरिकों को और उसी के साथ बाहर के देश वालों को या फिर एलियंस को हमने दिए हैं। तो आर्टिकल 16 स्पेसिफिकली इसके बारे में बताता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो हमने ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस देश के सिटीजन्स को, सिर्फ इस देश के सिटीजन्स को ये अधिकार दिया है, ना कि एलियंस को। और दूसरे आर्टिकल्स अगर हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये आर्टिकल सिटीजन्स और एलियन, दैट इज फॉरेनर, दोनों को भी एप्लीकेबल है। जैसे हम देश के नागरिक को ट्रीट करते हैं उसी तरह हम फॉरेनर को भी ट्रीट करते हैं, स्पेशली इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के बारे में। सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये भी हमने देखा है पिछले वीडियो में, फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब कोई भी मनमानी अधिकार नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं, तो इसीलिए उस एब्सोल्यूटनेस को ये कम करता है। मनमानी अधिकार करने का कोई भी कारण नहीं देता। जैसे कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन जब वो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी रीजनेबल। अगर वो रैशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं तभी उसको हम फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर सकते हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकते हैं, एक तरह से उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। नो एनक्रोचमेंट ऑन अदर्स राइट। जब हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी के साथ ये भी देखना जरूरी है कि जब हम अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उस वक्त दूसरों के अधिकारों पर एंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके अधिकारों को दबा नहीं रहे हैं। अगर हम दूसरों के अधिकारों को दबाकर खुद के अधिकार की प्रैक्टिस कर रहे हों तो फिर उस अधिकार को हम फंडामेंटल राइट्स नहीं कहेंगे या फिर एब्सोल्यूट राइट नहीं कहेंगे। तो इसीलिए यहां पर इंडिविजुअल राइट्स एंड सोसाइटी इन दोनों के बारे में एक तरह का बैलेंस रखा गया है, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स भी वो इंसान इस्तेमाल कर सके और दूसरी ओर सोसाइटी को उसके वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे। थर्ड, सेफ्टी अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट। आर्बिट्ररी एक्शंस, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा है, जब स्टेट के बात आती है तो स्टेट ये एक पावरफुल मैकेनिज्म है, इसके पास काफी ताकत होती है, काफी पावर होती है, तो पॉसिबिलिटी ये भी बन जाती है कि वो इस पावर का गलत इस्तेमाल करे। तो इसीलिए स्टेट इस पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हमें जरूरी है। राइट्स आर मीनिंगलेस इन अब्सेंस ऑफ मैकेनिज्म टू एनफोर्स। जैसे कि आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो खुद इट सेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, जो कि खुद एक फंडामेंटल राइट है,
ये एक राइट है जो हमें स्टेट के मनमानी कारभार से, मनमानी रूल से बचाता है। जैसे कि स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर भी एक लिमिट आती है, एक कंट्रोल आती है, और गवर्नमेंट बस उसी एक दायरे में रहकर अपना काम करती है। तो और जैसे आर्टिकल 32 इज अ बेसिक स्ट्रक्चर स्टेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बता दिया है कि आर्टिकल नंबर 32 एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए अगर पार्लियामेंट चाहे भी तो इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में से नहीं हटा सकती। उसके बाद फोर्थ, दे आर जस्टिसेबल, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। अगर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस दायर कर सकता है। जुडिशरी इज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी खुद एक फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है। सो वन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी गारंटी लेता है कि फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी करने का अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सुप्रीम कोर्ट की है, तो इसीलिए दे आर जस्टिसेबल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जब देश में इमरजेंसी लागू होती है तो उस वक्त इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स उस इंसान के राइट्स नहीं रहते, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी। और स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है जब इमरजेंसी की बात करते हैं तो स्पेशली एक्सटर्नल इमरजेंसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉर, अगर वॉर जैसी कंडीशन होती है और उस सिचुएशन में हम एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाते हैं तो उन्हीं केसेस में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन रखा है आर्टिकल 20 और 21। भले ही पूरे आर्टिकल्स सस्पेंड हो जाए लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते। ये दोनों आर्टिकल्स उस वक्त भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स के तौर पर काम करेंगे। तो ये है कुछ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू सिंपल कंसेप्ट, टू वॉच फ्यू मोर वीडियोस लाइक दिस which can help you in your competitive exams, and thank you for watching this video.